Assalamu alaikum. We'll be discussing paper for today. ये एग्जाम किसका था? मौर्यन पीपल, मौर्यन एम्पायर का, ठीक है? ओनली मौर्यन एम्पायर, देयर पोलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर. हालांकि सोशल स्ट्रक्चर में इसमें बहुत ही कम सवाल है या शायद हाई नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें. मुदस्सिर, आप आंसर सुनो. फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू पीरियड ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया, द प्लेसेस लाइक टैक्सिला, उज्जैन, सुवर्णनगरी एंड कलिंगा वर, सिंपल, दे वर प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ मौर्यन एम्पायर. ऑप्शन वुड बी सी, क्योंकि चार प्रोविंसेस हुआ, पांच थे, मैं एक तो सेंट्रल और बाकी चार. ठीक, सिंपल था, इसमें कोई गड़बड़ नहीं था. क्वेश्चन नंबर टू, इट्स अबाउट अशोका धामा. व्हाट डज फर्स्ट ऑप्शन स्पीक अबाउट? फर्स्ट, इट इज स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म. आई सेड देर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस टेनेंट्स, तो ये स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड बुद्धिज्म के खिलाफ नहीं था. वन ऑप्शन जहां जहां था वो हटाना था, तो इसका ऑप्शन सिंपल बी था. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द वेरियस मौर्यन प्रोविंसेस वर प्लेस्ड अंडर गवर्नर्स हु वर जनरली नॉट फ्रॉम द रॉयल फैमिली. ये स्टेटमेंट वन थी. हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या बनती? गलत. क्यों? क्योंकि जो रॉयल गवर्नर्स हुआ करते थे वो रॉयल फैमिलीज के साथ हुआ करते. हाँ, लाइक उपरिकास, दे यूज टू बी पार्ट ऑफ रॉयल फैमिलीज. ठीक, तो मौर्यंस आर नोन टू हैव ओपनड अप वर्जिन लैंड्स फॉर कल्टिवेशन, ऑब्वियसली. तो उन्होंने कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंड की, तो नेचुरली वो एक्सपेंशन तब होगी जो नया लैंड उन्होंने, ये भी हमने इनके इकोनॉमी में पढ़ा है. ठीक, तो इट वुड बी ऑप्शन बी. तो इसका थ्री का क्या होगा? बी. व्हाट अबाउट द फोर्थ क्वेश्चन? फोर्थ क्वेश्चन इज देयर वॉज एन इनॉर्मस गैप बिटवीन वेजेस पेड टू द हाइस्ट एंड द लोएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन द मौर्यन एम्पायर. ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल ठीक है. देयर वॉज एन इनॉर्मस गैप. हाँ, तो ये जो रैंकिंग ऑफिशियल्स की थी, बहुत बड़ा एम्पायर था, जो स्टेट के क्लोज जो बड़े बड़े ऑफिशियल उनको बहुत तनख्वाह हुआ करती थी, और जो लूज भी एडमिनिस्ट्रेटमेंट जो स्टेट से दूर और लोअर ऑफिशियल्स हुआ करते उनको तनख्वाह कम. और पति वेदिका एंड हु वर, व्हाट इज दिस ऑप्शन? ये क्वेश्चन फाइव, ये क्वेश्चन नंबर फोर है. फोर का क्या ऑप्शन है? नहीं, फोर का ऑप्शन है ए. व्हाई वर बटी का, ये वो लोअर ऑप्शन, ये कौन थे? दे वर स्पाइज. पट्टी वधिका एंड पुलिस आन इज वर स्पाइज. वो तो ये तो ये थे एस्पिनरी सिस्टम में, तो हमने पढ़े भी है पट्टी वधिका एंड पुलिस आन इज अशोका के वक्त पढ़े. हाँ, क्या थे? ओ, ये यही है, आप कॉपी घर में देख लेना. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव इज अबाउट एसर्शन रीजनिंग, सिंपल. ठीक है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्रेट सिटीज ऑफ मौर्यन टाइम्स वर मेनली बिल्ट ऑफ वुड इंस्टेड ऑफ स्टोन. ये करेक्ट है कि फॉल्स है? दिस इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज जो हमने सिटी ऑफ पाटलिपुत्र देखा था, जो मेन सिटी हुआ थी, और अशोका स्टोन का इस्तेमाल तो अशोका के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हुआ. उससे पहले किसका इस्तेमाल होता था? वुड. सिटी ऑफ पाटलिपुत्र पे हमने जब वो पढ़ा था कि हमने पैलेस देखना है, वो किससे बनाया था? वुड के से. उसकी आर्किटेक्चर भी रिमेन्स नहीं है क्योंकि वो वुड खराब हो जाता है. तो पहला स्टेटमेंट ठीक है. दूसरा, वुड कार्विंग आसान होती है कि स्टोन कार्विंग आसान होती है? वुड कार्विंग से आसान आसान. और दूसरा, मौर्यन क्राफ्ट्स वर नॉट स्किल्ड इन स्टोन वर्क. ये किसने बोला? ये तो गलत है. वो तो स्टोन, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती. तो इसमें आंसर आता सी. ठीक शुआ, ऑलमोस्ट सक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिंपल सवाल. इनका एक्सटेंट बोलना था, इसका डी पार्ट होता. किसका? ये कौन सा क्वेश्चन है? सिक्स का डी होता. क्यों? ये सारे इसके टेरिटरीज के ये थे. ये कौन सा आपको मोस्ट मुश्किल पेपर? क्वेश्चन नंबर सेवन, अशोका बिल्ट सेवरल चेटियास टू बी इन डॉली ओडिशा. व्हाई? डिड ही कन्वर्ट लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू बुद्धिज्म एट डॉली? नो, दैट्स नॉट ट्रू. ये कहां से लाया स्टेटमेंट? पता नहीं कहां से लाया. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट, ही वॉन्टेड टू ओवरकम द रिमोर्स ऑफ कलिंगा ब्लडशेड. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. हाँ, उसको वो दुख नहीं निकल रहा था, उस दुख को ठीक करने के लिए
वो क्या कर रहा था, वो यहाँ बड़ी बड़ी ये चेटियाज वटियाज बनाते थे। सेकंड अशोकन कैपिटल वाज एस्टेब्लिश हियर, हमने तो सेकंड कैपिटल सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं है। इट वाज होम टू लार्ज नंबर बुद्धिस्ट विहाराज इंडिया, नो, हाउ इज दैट ट्रू? इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट था, दैट इज बी। सबने ठीक किया है, तो ऐसे सॉरी तगान। क्वेश्चन नंबर 8, कुल्ला संगा कोटल्या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? हाँ, कुल्ला संगा, संगा व्हाट डज संगा मीन? संगा मीन्स, हमने देखो अगर कुछ ही, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होती, संगा क्या होता है? हाँ, होता है असेंबली टाइप। असेंबली क्या होती है, किसकी पार्ट होती है? गवर्नमेंट की। इट वुड हैव, व्हाट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होता है? बी। इसमें ये सिर्फ मैंने इसी के लिए सवाल दिया था, आपका दिमाग, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ना वो नहीं मिल रहे थे। संगा उस मेन फैमिली संगा, ये ऑप्शन मेन संगा, चाहे कलस मे कड़ बह कुला नबर गोड। क्वेश्चन नंबर हु कत गो? क्वेश्चन नंबर 9, अदी आक्षा, सिंपल, दीज वर सेक्रेट हेड्स, हेड ऑफ ऑफिस, सिंपल क्वेश्चन नंबर, इसमें सेक्रेट ऑफिशियल्स थे, सेक्रेट ऑफ ऑफिशियल्स। ये बोरे ओमेरा का डाउट था, ये सर आपने क्यों नहीं लिखा हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स? सेक्रेट में चोर बैठे होते हैं, वो भी तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, हाँ इसमें सिंपल थे, वो मोनोलिथ थे, एलियन ग्राफ्टिंग थी, बिकॉज एलियन ग्राफ्टिंग मतलब क्या थे, पर्शियन पिलर्स के साथ वो मिलते थे, हालांकि वो प्योरली पर्शियन उनके तरह, मगर उनमें वो इंट्रोडक्शन थी। तो क्वेश्चन नंबर 10th का सिंपल आ जाता सी। अब कौन सा मुश्किल था पेपर? क्वेश्चन नंबर 11th, विच ऑफ द रॉक पिलर कंटेंट ऑफ अशोका, ये हमने क्लास में भी पढ़ा, इट्स अ मास्क एडिक्ट। हाँ ठीक है, बेदुबन आप, मैंने तो रिवाइज ही नहीं किया है। ठीक है, मास्क की छा। क्वेश्चन नंबर 12 वुशू सा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या छ आंसर? सिविल सर्वेंट्स कॉल्ड अमत्याज हु लुक्ड आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन मेरिट। बिल्कुल अर्थशास्त्र का रूल ही था, जिस ऑफिसर को भी आप अपॉइंट करेंगे वो क्या होना चाहिए, मेरिट बेस्ड होना चाहिए। अध्याक्षा से पाई, अध्याक्षा की बहुत सारी कस्में थी और उनमें से एक कस्म ये भी थी जो मार्केट कंट्रोल करती थी। ठीक है, वो 1 and 2 आर करेक्ट। हाँ, और 1 and 2 कहीं ऑप्शन पे नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? ए, सिंपल। अब थर्ड ऑप्शन में डिस्कस करूंगा, तो वो तो इससे करूंगा क्योंकि मे बी सुमाई बेकुन तरीक बेकुन साथ क्वेश्चन। ऑल ऑप्शन वर इंटरव्यूड एंड अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द एम्परर, नॉट पॉसिबल, इट वुड नेवर हैव बीन पॉसिबल, ये अभी पॉसिबल नहीं है, मोदी हर किसी को करेगा। हाँ, तो ये तो हमेशा गलत ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 इच्छा इस कारण, विच ऑफ द फीचर इज फाउंड एब्सेंट फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर, कौन सा? क्यों, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन थी, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स भी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविंसल, वो तो मेरिटोक्रेसी भी नहीं थी, वो तो हेरिटेज थी, उनको करना ही करना था, वो प्रोविंशियल गवर्नर से। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत होता? ए, तो शुक्र सॉरी। ठीक, अकॉर्डिंग टू कोटली आता फॉलोइंग आर करेक्ट, ये तो पता ही है, ये मैंने डिस्कस भी किया क्लास में। और मुदसर अगर तो ये गलत हो सही तो दागर, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन था, आपको मैंने डिस्कस भी किया था, ये क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने क्लास में, इसमें कौन सा ऑप्शन आता? डी, 14 का डी, डी सी क्यों हुआ था? सेकंड तो है, शी वुड बी लीगली फ्री अगर उसको अपने मास्टर का बेटा पैदा होता, लीगली मतलब ये लेजिटिमेट सन है, मास्टर लेजिटिमेट सन, मास्टर मास्टर लेजिटिमेट सन, मास्टर वरे अगर कहा सन है सो लेजिटिमेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंपल है, वन सा आके लिखो तो आंसर, इसमें इनकरेक्ट बताना है करेक्ट बताना है। बिंदुसारा वाज टाइटल सेंट्रो क्वार्टर, उसका टाइटल क्या था?
आपने रिवाइज ही नहीं किया, अमित रो चैट्स था ना, तो ये तो गलत हो गया। अशोका गेव अप हिज आर्मी कंप्लीटली आफ्टर कलिंग अ वॉर, नॉट पॉसिबल। ट्रेनिंग उनकी कमजोर रह गई बिकॉज दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ वॉर। सनी दाता वॉज ए चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, नॉट पॉसिबल। यही है ऑफिसर, यही है आंसर। और समर्था वॉज इन चार्ज ऑफ माइनस, समर्था क्या था कलेक्टर और वो था ट्रेजरी ऑफिसर सनी दाता। समर्था क्या था खुद कलेक्टर था कि नहीं था, और सनी दाता क्या था ट्रेजरर। तो इसमें आंसर क्या होता है। अब वंशी क्वेश्चन नंबर 16 स्टूपा के बारे में, मौर्यन आर्ट है तो मैंने स्टूपा का क्वेश्चन और ये भी डिस्कस भी किया है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इज बुद्धिस्ट इन ऑरिजन, नो इट इज नॉट बुद्धिस्ट इन ऑरिजन, इट यूज टू एग्जिस्ट बिफोर थूपे इन जैनिज्म, उससे पहले इसमें वैदिक एज में, ठीक है। दे वर जनरली रेपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, करेक्ट ऑप्शन। तो वन, तो इसमें स्टूपा वॉज वोटेड, दो स्टेटमेंट इसकी ठीक है, तो ओनली टू वुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी आना चाहिए इसका, किसका, क्वेश्चन नंबर 16 का, यही है, यही लिखा है। या था शुद्ध में प्रॉब्लम है उसकी ना। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कितने दौली कहाँ है, दौली तो उड़ीसा में है, ठीक है जी। इरागुडी कहाँ है, गो ये तो ठीक है। जोगोडा कहाँ है, तो ये तो गलत हो गया। कालसी कहाँ है, कालसी उत्तराखंड में है, तो इस तो हाँ तो ये ही दो गलत, इसमें भी दो ही ऑप्शन होते हैं, ओनली टू। मैं ये कुर्मुत रोक्साना टॉप आज, रोक्साना रेक्सोना साबुन बनाओ यार, टॉप उसे बनाओ रेक्सोना साबुन से हम रो वन का क्वेश्चन हुआ थे 18 ना सा। Who among the following rulers advised his subject to throw his inscription? ये तो पता ही है, अशोका। जिसने ये गलत किया होगा उसको मैं मार दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सांची तो सांची हमने फुल फ्लेज्ड पढ़ा है, वहां तो हमने जिक्र नहीं देखा कि अशोका ने अपने अपना पोर्ट्रेट वहां देखा है, रानियो अशोका किंग अशोका अलॉन्ग विद उसका स्टूट पोर्ट्रेट। तो सांची तो देखो ऑप्शंस की तरह देखो, सांची में तो स्टूपा मशहूर है और कुछ नहीं मशहूर है। शाहबाजगिरी में क्या है, अरामिक स्क्रिप्ट मशहूर है। उस सोहोगरा में कॉपर प्लेट, तो और रहा क्या कांगा खाली, नहीं तो मैंने ऑप्शंस क्या डाले। आप ऐसे ही चीजें बहुत सारी चीजें देखोगे जो आपने सुनी ही नहीं होगी यूपीएससी पेपर में, बस उसको दिमाग लड़ाना है। ये पेपर नहीं है एग्जाम, ये आपके माइंड को ट्रेन कर रहा हूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने पढ़ा है ना पढ़ा है इट डज नॉट मैटर, आओ समझ, ये आपकी माइंड की ट्रेनिंग चल रही है। बिकॉज हमने एक चीज पढ़ा है कि अशोक इतना देखा था कि अशोका ने अपनी फोटो कहाँ, वो पोर्ट्रेट कहाँ देखा था, इतना तो हमने एक कॉपी पे पढ़ा है। दूसरा यहाँ दो चीज लिखी है, एक तो रानियो अशोका क्या किंग अशोका, दूसरा है उसका स्टोन पोर्ट्रेट, वहां तो उसने मिरर ऐसे पोर्ट्रेट उससे हमने वो भी लिखा है कि वहां उसने अपना पोर्ट्रेट देखा है, मगर यहाँ है दो चीजें रानियो अशोका और स्टोन। तो कौन सा बना, कंगन हाली, ठीक है। तो याद रखना है, क्या रखना है, कंगन हाली याद रखना, एक तो रानी अशोका वहां देखा और वहां स्टोन पोर्ट्रेट, और साथ और देखना होता है कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस क्या डाले हैं साहब ने, और वो हमने वो तो क्योंकि शाहबाजगर भी हमें पता है, सांची भी पता है, सोहगरा भी हमें पढ़ा है, तो एक ही नहीं पढ़ा था कंगन हाली, इसलिए ये ऑप्शन डाला है मैंने। क्वेश्चन 20 तो पता है जेम्स प्रिंस है, वन कुछ चार अशरफ कर